सो हाय गाइस, स्वागत है आपका लाइफ इज मनी चैनल में। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं वुमन वर्स यूए के T20 मैच प्रीव्यू के बारे में। सारी की सारी मैच की एनालिसिस कंप्लीटली इस वीडियो में करवा के मिलने वाले, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको ड्रीम इलेवन की एक बेहतर से बेहतर फंटेसी टीम भी बना के मिलने वाली, तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा। दोस्तों बात करते हैं अपटर। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो फाइनल टीम का अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगा। मोस्टली अगर टेलीग्राम की बात की जाए, सिंपली सर्च कीजिएगा लाइफ इज मनी, तो आपको जो मोस्ट हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करते हैं आपको सिंपली कैसे ज्वाइन होना है। सिंपली टेलीग्राम पर जाइए, मोस्टली सर्च कीजिएगा लाइफ इज मनी, जो कि मोस्टली हमारे चैनल ऊपर देखने को मिल जाएगा, वैसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको सारी की सारी एनालिसिस ड्रीम इलेवन पर अपटर टॉस के बाद मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं मैच डिटेल की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर टाइम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपको देखने को मिल रहा है 29 नवंबर के दिन मैच स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है। टाइमिंग की अगर बात की जाए तो दोपहर के एक बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, वांद्रेस क्रिकेट ग्राउंड विंडोक में आपको देखने को मिल जाएगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आपको 248 का देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्कोर की अगर टोटल एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 216 का तकरीबन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर पिच की अगर बात की जाए तो आपको बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादातर लगेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को भी मदद देखने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, आपने अपटर अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो हेड टू हेड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है ओमन वर्स यूए का। तो यहाँ पर ओमन ने एक मैच खेला है और वो विन करवा के आ रहा है, यूए वो एक मैच लॉस करवा के आ रही है। दोस्तों तो बात करते हैं इन दोनों के प्लेइंग 11 की, तो इन दोनों का प्लेइंग 11 आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने, इन दोनों का प्लेइंग 11 है। यहाँ पर देख सकते हो आप ओमन का, यहाँ पर देख सकते हो आप यूए का प्लेइंग 11 देख सकते हो। दोस्तों नीचे चलो, आपका टाइम ज़्यादा ना करते हुए मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ टॉप परफॉर्मेंस के ऊपर। तो प्लेयर स्टेट की बात की जाए दोस्तों, तो आपको देखने को मिल रहा है जिशान मोहम्मद की बात की जाए दोस्तों, अभी तक 20 मैचेस खेल चुके हैं, 511 रन बना चुके हैं, 31 का इनका एवरेज है और मोस्टली 35 विकेट भी लेके जा चुके हैं, 35 विकेट्स अभी तक लेके जा चुके हैं। तो बेटर पिक आपके लिए बन सकते हैं, जरूर ट्राई करके चलेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेटर चॉइस है। दोस्तों वही बात करते हैं अबिल इजलास की बात की जाए दोस्तों, तो इनका देख सकते हो 16 मैचेस अभी खेल चुके हैं, 801 रन बना चुके हैं, 61 का इनका एवरेज स्कोर है। दोस्तों आप देख सकते हो 17 विकेट्स भी मोस्टली ले जा चुके हैं, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही नीचे बात की जाए तो आपको आर्यन खान भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, उनकी अगर बात की जाए तो 10 मैचेस खेल चुके हैं, 241 रन बना चुके हैं, 26 का इनका एवरेज है और बात की जाए तो 12 विकेट्स भी मोस्टली लेके जा चुके हैं, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो। दोस्तों नीचे बात करते हैं हम लोग जितेंद्र सिंह की बात की जाए तो 20 मैचेस खेल चुके हैं, 445 रन बना चुके हैं दोस्तों, और बात की जाए तो एवरेज स्कोर इनका 42 का देखने को मिला है। मोस्टली आप ट्राई ज़रूर करके चल सकते हो। नीचे अगर बात करते हैं दोस्तों, तो आपको मोस्टली यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि मोहम्मद नईम की बात करते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है उन्होंने अभी तक 17 मैचेस खेले हैं और देखें 340 रन बना चुके हैं, और बात करते हैं उनके एवरेज की तो 42 का एवरेज स्कोर देखने को मिला है दोस्तों, 16 विकेट्स मोस्टली लेके जा चुके चुके हैं, तो ज़रूर ट्राई करके चल सकते हो। नीचे बात करते हैं बिलाल खान की बात की जाए तो 19 मैचेस खेल चुके हैं, 51 अभी तक रन्स बना चुके हैं दोस्तों, और 33 विकेट्स भी लेके जा चुके हैं, तो बेटर पिक आपके लिए बॉलिंग सेक्शन से बनने वाले बिलाल खान, तो ज़रूर ट्राई करके चल सकते हो। बात करते हैं यूएई की बात करते हैं दोस्तों, तो प्लेइंग 11 के आपको देखने को मिलने वाले रोशन मुस्तफ़ा की बात की जाए तो 40 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं, 765 रन बना चुके हैं, एवरेज स्कोर भी इनका 21 का देखने को मिला है दोस्तों, 44 अभी तक विकेट लेके जा चुके हैं, तो ये भी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए बेटर ऑप्शन है दोस्तों, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। वही अहमद राजा की बात की जाए तो 34 मैचेस खेल चुके हैं, 299 रन बना चुके हैं, 13 का एवरेज स्कोर है और 29 विकेट लेके जा चुके हैं, तो ये भी बेटर पिक आपके लिए बन सकते हो, जरूर ट्राई करके चलिएगा। वही मोहम्मद उस्मान की बात की जाए तो उन्होंने 6 मैचेस खेल चुके हैं, 200 रन अभी तक बना चुके और 66 का इनका एवरेज स्कोर है दोस्तों, तो बहुत अच्छा एवरेज स्कोर है, लेकिन ओडीआई के हिसाब से नहीं आपको देखने को मिलेंगे, तो मोस्टली आप जरूर ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग के लिए बेटर ऑप्शन नहीं रहेंगे। वही बात करते हैं जुकेंद्र शिकुई की, तो इनका कुछ खास स्टेट नहीं दोस्तों, बात की जाए तो उन्होंने अभी 8 मैचेस खेले, 51 रन बनाए और 12 विकेट्स मोस्टली लेके जा चुके हैं, लेकिन बॉलिंग सेक्शन तो आपको अच्छे दिखेंगे, बैटिंग ऑर्डर से कुछ खास परफॉर्मेंस इनका रहा नहीं दोस्तों। नीचे से अगर बात करते हो तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो चिराग शूरी की बात की जाए तो 6 मैचेस अभी तक खेल चुके हैं और देख सकते हो उन्होंने रन कितने बनाए और
59 रन अभी तक बना चुके हैं दोस्तों। और बात की जाए तो उनका 26 का एवरेज आपको देखने को मिला है। वही बात करते हैं विराजित्य अरविंद की बात की जाए दोस्तों, तो अभी तक 8 मैचेस खेल चुके हैं, 120 रन बना चुके हैं और 15 का एवरेज स्कोर इनका देखने को मिला है। तो बेटर पिक आपके लिए बन सकते हो, जरूर ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग के हिसाब से नहीं, ग्रैंड लीग के हिसाब से। वही बात करते हैं नीचे आपको ड्रीम इलेवन फैंटेसी टीम में बता दूँ दोस्तों, तो आप मोस्टली विकेट कीपर सेक्शन से वी अरविंद को रख सकते हो। बैटिंग सेक्शन से अगर बात की जाए तो स्मॉल लीग के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए तो जय सिंह को रख सकते हो, आर्यन खान को रख सकते हो और बी अहमद को रख सकते हो दोस्तों। और नीचे ऑलराउंडर सेक्शन से आप जिशान मोहम्मद को रख सकते हो। नीचे से अगर बात की जाए तो आपको ए एलिस को रख सकते हो, आर मुस्तफ़ा को रख सकते हो और एम नईम को रख सकते हो। आर मुस्तफ़ा को आप वाइस कैप्टन कर सकते हो और जिशान मोहम्मद को कैप्टनशिप दे सकते हो, दोनों में से चेंजेस भी कर सकते हो। वही बात की जाए बॉलिंग सेक्शन से तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अहमद राजा, बिलाल खान और नीचे से बात की जाए तो खालीवर्त अली नहीं तो जुनेद साकी। तो आपको मोस्टली आपको प्लेइंग इलेवन समझ में आ गया दोस्तों। नीचे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रैच की, तो आपको देखने को मिल जाएगी यूएई के फैंटेसी टीम में। तो देख सकते हो दोस्तों कैप्टनशिप के लिए आपके लिए मोहम्मद उस्मान भी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे, लेकिन जीएल के लिए स्मॉल लीग के लिए नहीं। स्मॉल लीग के हिसाब से मैं आपको बता दूँ यहाँ पर तो आपको जिशान मोहम्मद है, रोशन मुस्तफ़ा है, आर्यन खान है और अजीब लियाज हैं। और रिफ की कैप्टनशिप के लिए अगर बता दूँ दोस्तों तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहने वाले हैं अपटर आगर, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, फाइनल टीम का अपडेट आपको वहीं पर मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो की एनालिसिस यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं हमारी डेमो टीम की ओर। सो गाइस, मैंने पहले ही यहाँ पर टीम क्रिएट करके रखी थी। तो बात करते हैं हम लोग विकेट कीपर सेक्शन से बात की जाए तो आपको देखने को मोस्टली देखने को मिल रहे हैं वी अरविंद, बेटर पिक है दोस्तों, जरूर ट्राई करके चल सकते हो और मोस्टली ट्राई भी जरूर कीजिएगा, स्मॉल लेके हिसाब से मुझे बेटर ऑप्शन लगे हैं। नीचे से अगर बात की जाए तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यस कुमार और नीचे से अगर बात करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे मोहम्मद नईम खुशी। तो देख सकते हो दोस्तों दोनों पिक्स में से आप बेटर ऑप्शन किसको लगे, तो मुझे यहाँ पर बेटर लगे यस कुमार, तो जरूर ट्राई करके चल सकते हो ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की रहेंगे। तो नीचे बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर से आपको जय सिंह को जरूर पिक करके चलना है, सी सूरी को जरूर ट्राई करके चलिएगा दोस्तों, मोस्टली आपके लिए बेटर पिक बन सकते हैं। और नीचे से बात की जाए तो ए खान भी आपके लिए मोस्ट पिक है दोस्तों, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। जय सिंह का काफ़ी सिलेक्शन रेट कम है लेकिन प्लेयर अच्छा है दोस्तों मोस्टली। और एम उस्मान को भी जरूर ट्राई करके चलेगा, ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की रहेंगे मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर बात की जाए तो बी अहमद भी आपके लिए मोस्ट पिक बन सकते हो, जरूर ट्राई करके चल सकते हो। नीचे से अगर बात की जाए तो कुछ खास ऑप्शन मुझे लगे नहीं हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से आपको देखने को मिल रहे हैं आर मुस्तफ़ा, जिशान मोहम्मद और ए लियाज और नीचे से बात करूँ यहाँ पर तो एम नईम नदीम। तो बात करते हैं दोस्तों इनका मोस्टली परफॉर्मेंस यही रहेगा तो बेटर ट्राई करके जरूर चलिएगा। एम नदीम का भी काफ़ी सिलेक्शन रन कम है। यहाँ पर बात की जाए तो खालवर अली और ए राजा और बिलाल खान आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। आपको नीचे से अगर बात कर दूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे नीचे से किलेश उल्ला। तो अगर बात की जाए तो अभी तक मोस्टली इनका सिलेक्शन रेट भी काफ़ी कम है दोस्तों, लेकिन बेटर पिक है, जरूर ग्रैंडिंग में जरूर ट्राई करके चलिएगा क्योंकि आपके लिए बेटर ऑप्शन बन सकते हैं। वही अगर नादिम भी अगर खेलते तो आप जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग में रिस्की रहेंगे। वही के मरीपन की बात की जाए तो इनका भी बात की जाए तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग के लिए रिस्की रहेंगे। वही जे इक्कीस की बात की जाए दोस्तों तो ये बेटर ऑप्शन है दोस्तों, स्मॉल लीग में भी ट्राई करके चल सकते हो, तो मोस्टली आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेंगे दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन से की बात की जाए तो मैं यहाँ पर जिशान मोहम्मद रखूँगा, एम एलियास को रख सकते हो, यहाँ पर आर मुस्तफ़ा को रख सकते हो। अगर नीचे से ऊपर से बात की जाए तो आप यहाँ से ए खान को नहीं तो जय सिंह को रख सकते हो दोस्तों, आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे चारों में से वाइस कैप्टनशिप के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो का सारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।